हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कैश सिटी वर्ल्ड। माय नेम इज हरमिंदर सिद्धानी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने व्यापारिक बैंक का अर्थ एवं उसके कार्य पढ़े थे कि व्यापारिक बैंक क्या होती है और व्यापारिक बैंक कौन कौन से कार्य करती है। और आज हम बात करेंगे कि व्यापारिक बैंक के साख का निर्माण यानी साख का सृजन कैसे करती है। सामान्यतः किसी भी देश के अंदर जो साख निर्माण की प्रक्रिया है यानी साख सृजन की प्रक्रिया है वो मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है, जिसमें सबसे पहला है कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा और दूसरा है प्रारंभिक जमाओं और व्युत्पन्न जमाओं द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा। कागजी मुद्रा के निर्गमन का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर जो नोट चल रहे हैं, जो कागजी नोट चल रहे हैं, उसके द्वारा साख का सृजन करना। तो भारत के अंदर कागजी नोट यानी कि मुद्रा जारी करने का जो एकाधिकार है वह है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, न्यूनतम कोष प्रणाली यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग करके साख का निर्माण करता है। यानी कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमेशा न्यूनतम कोष प्रणाली को ध्यान में रखेगा। अब ये न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है, जैसे कि वो अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखता है। आरबीआई क्या करेगा, अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखेगा, जिसमें से 115 करोड़ का तो होता है गोल्ड यानी कि सोना और 85 करोड़ रुपए 85 करोड़ की क्या होती है फॉरेन सिक्योरिटीज यानी विदेशी प्रतिभूतियां। 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज यानी कि विदेशी प्रतिभूतियां, यानी टोटल मिला के 200 करोड़ का रिजर्व रखता है अपने पास। और उसके बाद वह क्या करता है, नई नोटों का निर्गमन करता है। वो नए नए नोट छाप के क्या करता है, व्यापारिक बैंकों को उधार देता है और फिर उन्हीं पैसों से व्यापारिक बैंक क्या करती है, जनता को उधार देती है। तो यह पहला प्रोसेस है, यह पहली प्रक्रिया है कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया। ठीक है, और इसे हम केंद्रीय बैंक द्वारा साख का निर्माण भी कहते हैं, क्योंकि ये जो साख का निर्माण है ये व्यापारी बैंक की नहीं कर रही, ये जो साख का निर्माण है केंद्रीय बैंक कर रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साख सृजन की दूसरी विधि, प्रारंभिक जमाओं एवं व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया। मैंने आप लोगों को व्यापारी बैंक के कार्यों में स्पष्ट किया था कि व्यापारी बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, लोगों की जमा को स्वीकार करना और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना। यानी बैंक क्या करती है, लोगों से धनराशि एकत्रित करती है और उसी एकत्रित धनराशि से क्या करती है, लोगों को ऋण प्रदान करती है। तो प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमा कुछ इसी तरीके की होती है। तो प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमा द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया क्या होती है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि प्रारंभिक जमा क्या होती है और व्युत्पन्न जमा क्या होती है। तो प्रारंभिक जमा वे जमाएं होती है जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में, वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा कराई जाती है। जैसे मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं ए और मैंने बैंक के अंदर 10,000 रुपए डिपॉजिट करे, मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए। तो वह जो व्यक्ति है ए, मेरे द्वारा यानी जो मैं जमा करता हूं बैंक का, तो मेरे द्वारा जो बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जो धनराशि जमा की गई है उसी धनराशि को बोलते हैं प्रारंभिक जमाएं। अब बैंक क्या करेगी, मेरा जो 10,000 रुपए है उसको क्या करेगी, उस 10,000 रुपए का 20% कम से कम 20% वो क्या करेगी, कैश फॉर्म में रखेगी। अब बैंक कैश में क्यों रखेगी अमाउंट, क्योंकि मैं कभी भी, अभी ये जो 10,000 रुपए है ये मेरा पैसा बैंक में मैंने डिपॉजिट करा और ये मेरी मांग जमा है, तो मैं कभी भी बैंक से चाहूं तो निकलवा सकता हूं। अगर बैंक ये मेरा पूरा पैसा लोन पर दे देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी बैंक को, क्योंकि अगर मैं कभी भी पैसा निकलवाने जाऊंगा तो बैंक के पास मेरी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए तो पैसा होगा नहीं। इसलिए बैंक क्या करती है, जमाकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ पैसा नकद रूप में रखती है। तो अभी हम मानते हैं कि नकद कोष कितना है, 20%। यह नकद कोष आरबीआई फिक्स करती है, मतलब ये नकद कोष आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। आरबीआई बोलती है 20% रखना है, 10% रखना है या 15% रखना है, कितना रखना है। ठीक है, तो जब मैंने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करे तो यह मेरी प्रारंभिक जमा कहलाएगी और प्रारंभिक जमा 10,000 का 20%, 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000 बैंक अपने पास नकद रूप में रखेगी तथा शेष 8,000 रुपए क्या करेगी, अन्य व्यक्ति यानी बी को क्या करेगी, लोन पर दे देगी। यानी ये जो 10,000 रुपए थे यह बैंक के लिए थी प्रारंभिक जमा है और इस प्रारंभिक जमाओं से बैंक ने जो ऋण खाता खोलकर उसमें जो ये 8,000 रुपए जमा करे हैं, लोन अकाउंट में जो 8,000 रुपए जमा करे हैं, इसी को कहते हैं व्युत्पन्न जमा। इसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न जमा। यानी प्रारंभिक जमाएं वे जमाएं होती है जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा कराई जाती है। ठीक है, और व्युत्पन्न जमाएं वे जमाएं होती है जो प्रारंभिक जमा से प्राप्त धनराशि से ऋण खाता खोलकर उसमें जमा की जाती है। यानी बैंक ने उस 10,000 रुपए का 2,000 रुपए तो बैंक खुद के पास कैश फॉर्म में रखेगी और बाकी का 8,000 रुपए बी को लोन पर दे देगी, तो ये बी वाले जो 8,000 रुपए ये व्युत्पन्न जमा कहलाती है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो बी के अकाउंट में कितने हजार रुपए आ गए, 8,000, तो बैंक बी को भी पूरा धनराशि निकालने नहीं देगी, वह बी के लिए भी सिर्फ 20% धनराशि नकद में रखेगी।
जैसे कि 1600, 8000 का 20% कितना हुआ 1600 रुपए, और बाकी का 6400 रुपए किसको लोन पर दे देगी, बस सी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को लोन दे देगी। ठीक है, अब सी के अकाउंट में कितने हजार रुपए, 6400। अब इसका भी बैंक क्या करेगी, 20% अपने पास रखेगी। अब 6400 का 20% कितना होगा 1280, और रेमेनी कितना रहा 5120, यह किसको दे देगी, डी को लोन पर दे देगी। तो डी के अकाउंट में भी कितना आ गया 5120, यानी यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये व्युत्पन्न अमाउंट वाला, जब तक यह व्युत्पन्न जमा वाला अमाउंट जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। तो इसे ही कहते हैं व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया, प्रारंभिक जमाओं और व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया। तो बैंक इस 10,000 रुपए के अमाउंट से टोटल 50,000 रुपए जितना लोन क्रिएट कर लेती है। ठीक है, अब ये 50,000 रुपए का अमाउंट यहां पर कैसे आया उसको समझते हैं। तो उसको समझने का फॉर्मूला है साख गुणक, आपको साख गुणक पता होना चाहिए। साख गुणक का फॉर्मूला होता है 1/RR, यानी कि 1/RR, यानी RR का यहां मतलब है नकद कोष, यहां पर हम नकद में कितना पैसा रख रहे हैं। तो हम यहां पर नकद में रख रहे हैं 20%, तो जब आप 20% को लिखोगे सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 100/20, तो साख गुणक आया 5। और कुल साख निर्माण का फॉर्मूला होता है, कुल साख निर्माण का जो सूत्र होता है वह होता है 1/RR इंटू डी, और 1/RR कितना आया 5, और यहां डी का मतलब है डिपॉजिट, यहां डी का मतलब है जमाए। तो बैंक के पास कुल जमाए कितनी थी, प्रारंभिक जमाए कितनी थी 10,000, बैंक के पास प्रारंभिक जमा थी 10,000। तो बैंक इस 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का क्या करती है, साख का निर्माण कर लेती है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं साख सृजन की प्रक्रिया, प्रारंभिक जमाओं पर व्युत्पन्न जमाओं द्वारा। आई होप साख सृजन की दोनों विधियां, कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा तथा प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाओं द्वारा, दोनों प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।